बात नोट की है, शायद आपने भी की हो, कि परिवार में जो बच्चे होते हैं वो दूध से बहुत भागते हैं, लेकिन दूध के कुछ ऐसे हेल्दी ऑप्शंस हैं जो कि उतना ही बेनिफिट देते हैं जितना कि दूध। दूध का सबसे हेल्दी सब्स्टिट्यूट होता है योगर्ट यानी दही, और अगर इसमें थोड़े से फ्रेश फ्रूट्स डाल दिए जाएं तो इसके नायाब स्वाद के पीछे बच्चे भागते हुए नजर आएंगे, ना कि इससे भागते हुए। तो चलिए आए देखते हैं इस मजेदार डिश की रेसिपी। तो इस डिश के लिए हमें चाहिए योगर्ट यानी दही 200 ग्राम, कुछ अंगूर, छोटा कटा हुआ पपाया, अनार के दाने, कीवी फ्रूट, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ये तो हमारे पास जो फ्रूट्स हैं हम उससे बना रहे हैं, नहीं तो ये किसी भी फ्रूट से बनाया जा सकता है, यही इस रेसिपी की सबसे खास बात है। हमें चाहिए थोड़ा सा शहद, हरे अंगूर, स्ट्रॉबेरी और रामबुतान। अब ये रामबुतान है, इसकी जगह लीची होता है, ये उसी फैमिली का है, तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया। और हमारे पास है ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस हम यूज़ करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। तो चलिए बनाते हैं इसे। पहले हम लेंगे इसमें दही। दही के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये दही खट्टा ना हो, क्योंकि अगर खट्टा दही हुआ वो शहद के साथ मिलके एक बहुत ही अजीब सा स्वाद देगा, और जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इसकी तरफ भागें वो इससे और भागने लग जाएंगे। तो हमने डाल लिया दही, इसमें डालेंगे पपाया, पपीता, अनार के दाने, कीवी। अब कीवी एक फ्रूट है जो है न्यूजीलैंड से, तो वहाँ का नेशनल फ्रूट है, और जो लोग क्रिकेट के शौकीन हैं वो लोग जानते होंगे कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को कीवीज भी कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ का नेशनल बर्ड और नेशनल फ्रूट दोनों कीवी हैं। थोड़े से अंगूर, चाहें तो इसे काट लें, चाहें तो साबुत भी रख सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज हमने काटी हुई हैं, सीजन में हैं, अच्छी हैं, यूज़ कर सकते हैं। और रामबुतान ये हम यूज़ करेंगे गार्निश में, इसको अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। डालेंगे इसमें हम 1 टेबलस्पून शहद, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, ज़्यादा डालने से बहुत ज़्यादा मिठास हो जाएगी जो हम नहीं चाहते, क्योंकि फ्रूट्स में अपनी भी बहुत शुगर है। और अब डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून ऑरेंज जूस। और वैसे भी अगर आप बच्चों को ऑप्शन दें कि वो दूध पिएं या जूस पिएं, तो सरप्राइज नहीं है कोई कि वो क्या चूज़ करेंगे। इसको हम अच्छी तरह मिला लेंगे, और ये तैयार है हमारा फ्रेश फ्रूट योगर्ट। लेकिन हम इसे ऐसे बच्चों को देंगे नहीं, प्रेजेंट करेंगे इसे बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि वो फिर से आपसे मांगें कि माँ मुझे प्लीज़ थोड़ा फ्रेश फ्रूट योगर्ट बना दो, और तब आपका चेहरा देखने लायक होगा। तो इसे डालेंगे हम 1 ग्लास में, इसे कटोरी में दे देते तो फिर वही कहते क्या दे दिया हमें रायता, रायते में फ्रूट्स कहाँ से मिला दिए। तो थोड़ा अच्छी तरह देंगे। अब जब इसमें हमने 1/2 ग्लास योगर्ट डाल दिया है, अब हम इसमें थोड़े से और फ्रूट्स डालेंगे। इसमें डालेंगे पपाया, थोड़े से ऐसे कलर्स जो बच्चों को अच्छे लगें, लाल, पीले, हरे। कीवी, और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा और योगर्ट। थोड़ी सी गार्निश और। और एंड में डालेंगे 1 रामबुतान ऊपर से। और हाजिर है हमारा फ्रेश फ्रूट योगर्ट। इस हेल्दी डेजर्ट के लिए आपको चाहिए दही 200 ग्राम, कटा पपीता आधा कटोरी, अनार के दाने आधा कटोरी, कटा हुआ कीवी आधा कटोरी, अंगूर 15 से 20, स्ट्रॉबेरी 5 से 6, शहद 1 बड़ा चम्मच, संतरे का रस 2 बड़े चम्मच, रामबुतान 1। और अब फ्रेश फ्रूट योगर्ट बनाने का रिकैप। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में दही लें, इसमें कटा पपीता, अनार के दाने और कीवी डालें, इसके बाद अंगूर और कटी स्ट्रॉबेरी डालें, शहद और संतरे का रस डालकर सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला लें। फ्रेश फ्रूट योगर्ट तैयार है। इसे सर्व करने के लिए 1 सर्विंग ग्लास में योगर्ट डिलाइट और ताजा फल की लेयर बनाएं। रामबुतान के साथ सर्व करें।